छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट एसपी ऑफिस समेत कई सरकारी दफ्तरों में आगजनी, बवाल बढ़ने पर लगाई धारा 144, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाने के विरोध में सतनामी समाज का हंगामा, सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़, बड़ी संख्या में वाहनों को लगाई आग, उपद्रवी और पुलिस प्रशासन के बीच। 15 और 16 मई की रात अज्ञात लोगों ने अमर गुफा में धार्मिक स्तंभ को पहुंचाया था नुकसान, इसी के विरोध में सोमवार को विरोध जताने पहुंचे थे सतनामी समाज के लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश, पौनी के जंगलों में सुरक्षा बल चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन, जंगल में दो आतंकियों के छिपे होने की आशंका। बस पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, गांधरबल जिले में 16 जून से होने वाले मेले को लेकर अलर्ट जारी, मेले में पूजा अर्चना करते हैं कश्मीरी पंडित, माता खीर भवानी के मेले की चल रही है मेला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल का दौरा किया, रियासी आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ली, कटरा के अस्पताल में चल रहा इलाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कुछ इलाकों में फिर से पनप रहा है आतंकवाद, सामान्य स्थिति का दावा करना गलत, बातचीत से हल निकालना और इस पर करना चाहिए विचार। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के ऊपर हुए आतंकी हमले का विरोध, आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लखनऊ में श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 5 लोगों की भी जान गई, चौमू गांव के रहने वाले थे श्रद्धालु, एक ही परिवार के बताए जा रहे सभी सदस्य, वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे सभी लोग। मंत्रिमंडल बंटवारे के साथ ही एक्शन में पीएम मोदी, तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना पर फोकस, शहरी और ग्रामीण इलाकों में एलजीपी और बिजली कनेक्शन के साथ 3 करोड़ घर बनाने पर फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे कार्यकाल के आगाज के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा के से फोन पर बातचीत। पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पाकिस्तान के पूर्व पदभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को सौगात दी, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी, 9 करोड़ 3 लाख किसानों को इससे लाभ होगा। मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्रियों के विभाग बरकरार, शाह को गृह, राजनाथ सिंह को रक्षा, गडकरी को परिवहन, जयशंकर को विदेश और निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी, शिवराज सिंह को कृषि और पंचायती राज, खट्टर को ऊर्जा शहरी विकास और जीतन राम मांझी को एमएसएमई विभाग का मंत्री बनाया गया। जेपी नड्डा के पास एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा, तो वहीं रेलवे फिर से अश्विनी वैष्णव के पास गया, जबकि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बने रहेंगे और सर्बानंद सोनोवाल ने पोत परिवहन विभाग बरकरार रखा है। सहयोगी दलों में टीडीपी के राममोहन नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आवंटित किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर चिराग पासवान ने पीएम का आभार जताया, कहा कि कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। विभागों के बंटवारे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, बोले बिहार की वजह से पीएम मोदी बनने वाले मोदी ने बिहार के लोगों को मंत्रालय के नाम पर थमाया झुंझुना। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता और अग्निवीर योजना समाप्त नहीं होती, तब तक पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने की कोई बधाई नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसदों को सिर्फ 2 राज्य मंत्री पद आवंटित करने पर टीएमसी ने पीएम पर हमला बोला, कहा कि दर्शाता है पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण। मंत्रालयों के आवंटन को लेकर आपने भी पीएम मोदी पर हमला बोला, आप मंत्री आतिशी ने एक्सपर्ट लिखा, पोर्टफोलियो आवंटन से पता चलता है कि मोदी जी अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान नहीं करते। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, मोदी 3.0 में बचे हुए विभाग सहयोगियों को दिए गए, बोले शर्त लगा सकता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। मोदी 3.0 में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री आज से अपना पदभार संभालेंगे, अपने अपने विभागों का कार्यभार ग्रहण करेंगे सभी मंत्री। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा देश के विकास के लिए पूरी निष्ठा से करेंगे काम, पीएम के विजन को साकार करने की पूरी करेंगे कोशिश। केंद्रीय कैबिनेट में बंदरगाह,
जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, हम पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने कहा कि किसानों के लिए वरदान साबित होते दुर्भाग्यवश राजनीति की भेंट चढ़ गए, मोदी जी ने जो दायित्व दिया है उसे निभाएंगे। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर रक्षा खडसे ने कहा कि खेलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर देंगे जोर, युवाओं के खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला, उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, समर्थकों को माटी बिठाया। मोदी कैबिनेट में जगह न मिलने से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नाराज, कहा कि 7 सांसद पर भी राज्य मंत्री बनाया। श्रीरंग वार्ने ने कहा कि शिवसेना को कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी को लेकर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का तंत्र, श्रीरंग वार्ने के बयान पर बोले, अब जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो ये लोग ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा देंगे। कल शाम 5 बजे ओडिशा के जनता मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मोहन मांझी सीएम पद की रेस में सबसे आगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ और भूपेंद्र यादव तय करेंगे विधायक दल का नेता। आंध्र प्रदेश में एनडीए के विधायक दल की बैठक आज, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, विधायक दल की बैठक आज, कल सुबह 11:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। यूपी में आज से 15 जून तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा, लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस की सफलता के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार। अमेठी और रायबरेली के मतदाताओं का आभार जताने आज रायबरेली जाएंगे राहुल और प्रियंका, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 18 जून को काशी के दौरे पर पीएम मोदी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएमओ को पीपल्स पीएमओ यानी कि लोगों का पीएमओ होना चाहिए, जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमें अपने देश को पहुंचाना है, हम समय से बंधे नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम एनडीए की सरकार में हैं और हम सत्ता में हैं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन टूटने के कगार पर है। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा, अब की बार मोदी सरकार किसान सरकार। रियासी आतंकी हमले की घटना को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा तीर्थ यात्रियों पर इस तरह कायराना हमला करना घोर निंदा का विषय है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। टीडीपी नेता गौरीनाथ चौधरी की कुरनूल में हत्या, वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप, गांव में टीडीपी नेता पर हमला हुआ था। बीजेपी ने कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, कहा कि कर्नाटक में तुगलक युग वापस आ गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई, कहा कि चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार करना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शायद अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करेंगे। जयराम बोले, 22 साल पहले वाजपेयी ने मोदी से कहा था राजधर्म निभाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, सुबह 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में बैठक का आयोजन। सीएम योगी ने शास्त्री भवन में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान, सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का जन्मदिन आज, लालू के 77वें जन्मदिन पर पटना में जश्न की तैयारी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप कांग्रेस के गठबंधन पर अपना पक्ष रखेंगे। चंडीगढ़ में आज संदीप पाठक की अध्यक्षता में हरियाणा आप कार्यकारिणी की बैठक, आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, कांग्रेस आप गठबंधन पर विचार होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर प्रेरणा दिवस का कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की, भारत मॉरिशस साझेदारी की तरफ गहरा करने पर चर्चा। मालदीव की राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, आने वाले वर्षों में भारत मालदीव के संबंध बेहतर होंगे इसकी उम्मीद जताई। दिल्ली में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर भारत आए पड़ोसी राज्य नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की मुलाकात, राहुल और प्रियंका भी मौजूद।
शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा को लेकर बैठक की है। आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से 180 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। एसकेएम अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने प्रेम सिंह तमांग। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कारोबारी ने लाखों की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट से पैरोल पर जेल से बाहर आए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता की कब्र पर पढ़ा फातिहा। 12 जून तक मिली पैरोल, 13 जून को कासगंज जेल में करना होगा सरेंडर। प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एसआईटी कस्टडी खत्म होने के बाद सोमवार को हुई थी कोर्ट में पेश। मुंबई में एक ज्वेलर के यहां पर हुई चोरी की वारदात में खुलासा। ज्वेलर की दुकान पर काम करने वाले युवक ने दिया था वारदात को अंजाम। ज्वेलर की दुकान पर काम करने वाले युवक ने चुरा लिया था करीब 1870 ग्राम सोना। पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। आरोपी के पास से 1.25 करोड़ रुपए कीमत का सोना बरामद। इंदौर में रेव पार्टी में पुलिस का छापा। नशे की हालत में पकड़े गए 100 से अधिक युवक युवतियां। मौके से ड्रग्स, गांजा समेत नशे का दूसरा सामान भी मिला। इंदौर में रेव पार्टी में पुलिस की रेड से हड़कंप। रेव पार्टी में सिविल ड्रेस में पहुंची थी पुलिस और पार्टी आयोजित करने वाले दो आरोपी मौके से फरार। यूपी के बलरामपुर में आग की घटना। पैथोलॉजी लैब में लगी आग। आग लगने से पैथोलॉजी में मची अफरातफरी। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फिर से सुलगने लगे उत्तराखंड के टिहरी के जंगल। जिला मुख्यालय से सटे इलाकों में जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग लगी। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुआ। टिहरी में वन कर्मियों के पास नजर आई संसाधनों की कमी। पेड़ की टहनियों और हरे पत्तों के सहारे आग बुझाते नजर आए वन कर्मी। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पाइप काटकर बचाई मासूम की जान। सीकर के रिंगस कस्बे का मामला। बोरवेल में गिर गई थी मजदूरी करने आए परिवार की बच्ची। सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। राजस्थान के अनूपगढ़ में मिला बम। 7 मई को एक किसान के खेत में मिला था हैंड ग्रेनेड। बम को आर्मी ने किया डिफ्यूज। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पानी की किल्लत और बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। नीट की परीक्षा को लेकर लखनऊ के अभ्यर्थी आयुषी ने उठाए सवाल। एग्जाम में बड़े स्कैम की जताई आशंका। आयुषी ने लगाया अपनी ओवर शीट को जानबूझकर फाड़ने का आरोप। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में भी छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। छात्र छात्राओं ने एनटीए के ऑफिस के बाहर हंगामा किया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की संभावना। मुंबई में मॉनसून की दस्तक के साथ बढ़ सकती है लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया येलो अलर्ट। राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। उदयपुर में झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। तमिलनाडु में भी बदला मौसम का मिजाज। चेन्नई में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश। बारिश होने से लुटका पारा। गुजरात के गांधीनगर में सोमवार को बदला मौसम। शहर में झमाझम बारिश हुई। पारा गिरने से लोगों को मिली राहत। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में फिर से शुरू होगा गर्मी का सितम। अगले 5 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान।